أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتبشرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زندگی گزارنے کے دو انداز ہیں, ایک یہ کہ انسان صرف اس دنیا میں زندگی گزارے, اس جہان کی خوشی کو اپنی خوشی بنائے, اس کے غم کو اپنا غم بنائے, اور یہاں اچھا رہنے کے لیے دن رات کوشش اور محنت کرتا رہے. یہ ادھوری زندگی ہے, اور دوسرا یہ کہ انسان صرف اور صرف آخرت کی محنت میں لگا رہے, نہ یہاں اس کو مقام کی فکر ہو, مقام کی فکر ہو, نہ بیوی بچوں کی فکر ہو, یہ زندگی بھی نامکمل زندگی ہے. دین اسلام وہ خوبصورت دین ہے کہ جس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتایا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو جائے اور اس کی آخرت کی زندگی بھی سنور جائے, یعنی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. یہ راستہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو, اپنے پیروکاروں کو سکھایا ہے. بہت سارے لوگ صرف اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیا کو, اس جہان کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, چنانچہ ان کا حال یہ ہے کہ اپنے کاروبار میں مگن ہیں, اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے میں مشغول ہیں, اپنے عزیز رشتہ داروں کے فنکشنوں میں, ان کی خوشی غمی میں پہنچنے میں بڑے فکر مند ہیں, لیکن دوسری طرف ان کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں آخرت کی تیاری کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ تلاوت ہے, نہ ذکر ہے, نہ آخرت کی فکر کی کوئی بات ہے, بس دن رات ایک ہی دھن لگی ہوئی کہ ایک سے دو اور دو سے چار کیسے ہوگا, میری چھوٹی دکان بڑی کیسے بنے گی, میری آمدن زیادہ کیسے ہو جائے گی, میرا چھوٹا گھر بڑا کیسے بن جائے گا, اور میں معاشرے میں زیادہ عزت والا کیسے بن جاؤں گا. ایک کامیاب زندگی دنیاوی اعتبار سے گزارنے میں ایسے فکر مند ہے, ایسا فکر ان کے دماغ پہ سوار ہے کہ سارا دن محنت کر کر کے تھک کے رات کو سوتے ہیں, اور پھر رات کو خواب بھی وہی دیکھتے ہیں, اور صبح اٹھ کے پھر اسی کام میں لگ جاتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے ایک کوئی انسانی شکل میں جانور ہے جس کو جیسے کولوں کا بیل ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پٹی باندھ دی جاتی ہے,
और वो कोनों के गिर्द घूमता रहता है। बिल्कुल इसी तरह ये इंसान है कि इसकी भी जिंदगी इस दुनिया की खुशी और गमी के गिर्द चक्कर काटती रहती है। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। ना उसके पास अल्लाह के जिक्र का वक्त होता है, ना उसके पास मस्जिद में बैठने का वक्त होता है, ना उसके पास अपने गुनाहों की माफी का वक्त होता है, ना उसके पास लोगों की दिलजोई और उनकी दुआएं लेने का वक्त होता है। हत्ता के ऐसे लोगों का हाल ये होता है कि अगर माँ और बाप जो सारा दिन उसके इंतजार में घर में बैठ के वक्त गुजारते हैं, शाम को जब उसको देखते हैं कि वह नहीं आया, तो वो उसको कहते हैं बेटे का पता करो क्यों नहीं आया, पता चला कि वो बीवी बच्चों में बैठा हुआ है, पैगाम भेजा कि बेटा जरा आके अपना मुंह दिखा जाओ, तो जवाब मिलता है अम्मी मैं बहुत थका हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सो रहा हूँ। यानी उसके पास अपने माँ के लिए और अपने बाप के लिए भी वक्त नहीं होता, उसके पास अपनी कब्र की तैयारी के लिए वक्त नहीं होता, और उसके पास अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं होता। एक ये जिंदगी है जो हमारे मुआशरे में हम हर दूसरे बंदे को देखते हैं कि वो ऐसी ही जिंदगी गुजारने में लगा होता है। और फिर जुलम दर जुलम ये है कि जो बंदा इस तरह की जिंदगी गुजारे कि उसको किसी किस्म का कोई होश न रहे, अगर वो ऐसी जिंदगी गुजार के चार टकों का मालिक बन जाए, तो कार कोठी बंगला उसके हाथ आ जाए, तो देखने वाले उसको देख के रश करते हैं और उसको खुशकिस्मत समझते हैं, कहते जी चलो जो कुछ भी था लेकिन उसने अपना घर तो बनाया है, उसने अपना कारोबार तो बना लिया है, उसने ठीक है अपने आप को तो मुसीबत में डाला लेकिन अपने बच्चों के लिए तो उसने बहुत कुछ कर लिया है। लोग उसकी तारीफें करते हैं, न सिर्फ ये कि उसकी तारीफ करते हैं बल्कि उसको देखकर दिल में हसरत और तमन्ना पैदा होती है, काश कि ये कुर्बानियां हम भी करते और ये मान दौलत हम भी हासिल कर लेते। अल्लाह ताला को ये जिंदगी बहुत नापसंद है। अल्लाह और उसके रसूल की नजर में ये जिंदगी बर्बाद जिंदगी है। इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया नबी जी फरमाइए कि क्या मैं तुम्हें खबर न दूं, क्या मैं तुम्हें न बताऊं ऐसी बात, बेनफसरीन आमाला आमाल के एतबार से बर्बाद होने वाला तबाह होने वाला कौन है, बताइए कौन है। इशाद फरमाया अल्लज़ीन दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जो इस दुनिया के जिंदगी की खातिर अपनी सारी तमन्नाएं मेहनतें कोशिशें बर्बाद कर रहा है, आगे आखिरत के लिए कुछ नहीं है, इसी के लिए सारा कुछ है। सुबह सवेरे उठता है तो बस अपना मुंह धोया, खाना खाया और भागा काम की तरफ, सारा दिन भाग दौड़ कर कर करके शाम को थक हार के आया और वहां आके बिस्तर पे पड़ गया, सारी रात बेहोश बंदे की तरह पड़ा रहा, सुबह उठ के फिर भाग उठा। जिंदगी ऐसी है लेकिन उसका सोच क्या है, उसके ख्यालात क्या है। फरमाया उसके ख्यालात ये है, वो सोचता ये है, वो हुम यहसबून
इन्नहुम युहसिनून सुनअ। सोचता ये है कि बड़ी अच्छी जिंदगी है मेरी, बड़ा अच्छा कर रहा हूं। एक पहलू जिंदगी का ये है जिसको हमारे माशरे में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की नजर में, कुरान करीम की तालीम की नजर में ये बेकार जिंदगी है। और एक दूसरी जिंदगी है कि इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के, ना अपना कोई धंधा, ना कोई काम काज, ना बीवी बच्चों का कोई ख्याल, ना कोई फिक्र, कुछ भी नहीं, और बस जो है वो तस्बीह लेके किसी गार में चला जाए, कहीं जंगल में चला जाए, या किसी मस्जिद के कोने में जो है वो बैठ जाए, और वो ये समझे कि बस मैं ये जो जिंदगी गुजार रहा हूं ये बहुत अच्छी जिंदगी है, मैं अपनी जन्नत कमा रहा हूं। भाई तुम तो अपनी जन्नत कमा रहे हो, लेकिन जिन लोगों के हुकूक तुम्हारे साथ वाबस्ता है, उनकी अजियत और तकलीफ की वजह से जो तुम्हें अल्लाह की पकड़ आएगी, तुम्हें अल्लाह का अजाब आएगा, उसका क्या बनेगा? और वो लोग जो दिन रात जुबान से ऐसे कलिमात निकाल रहे हैं कि जिसकी वजह से उनका ईमान भी ना बचा, तो उनके कुफर का जिम्मेदार कौन बनेगा? एक हदीस है, ला ईमान की मतलब अमानत लहु। मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे का ईमान नहीं है, गोया के वो सही मानों में ईमानदार बंदा वो नहीं है कि जिसके अंदर अमानतदारी ना हो, बेईमान बंदा हो, खयानत करने वाला बंदा हो, तो उस बंदे के ईमान पर कोई एतबार नहीं। हदीस तो ये है, लेकिन एक बहुत बड़े अल्लाह वाले वो फरमाया करते थे कि इस हदीस को अगर दूसरे अंदाज में बयान किया जाए तो भी इसका माना सही बनता है। वो फरमाया करते थे, ला ईमान लिमन ला दार लहु, उस बंदे का कोई ईमान नहीं है कि जिसका अपना घर नहीं है। तो उलमा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हजरत ये क्या कि जिस बंदे का घर नहीं उसका ईमान नहीं? वो फरमाने लगे, अगर इंसान के पास अपना घर नहीं है तो बीवी बच्चों को वो कहां रखेगा? वो किराए के घर पे धक्के खाएंगे, खुदा ना खास्ता ये दुनिया से चला गया, इसने अपने बीवी बच्चों के लिए घर का इंतजाम नहीं किया था, तो दर दर के जब उनको धक्के खाने पड़ेंगे, तंग आके मुमकिन है वो मुंह से कोई कुफरिया कलिमात बोल दें, तो इनके काफिर होने का जिम्मेदार तो ये बना कि इसने अपने बीवी बच्चों को सर झुकाने का घर का भी बंदोबस्त ना करके दिया। तो फरमाया, तो जब ये उसके कुफर का सबब बना तो गोया कि इसका ईमान कहां बचा है? तो ये मजहब और ये सोच दुनिया वाले भी यही कहते हैं कि भाई दीन के पीछे ऐसे पड़ जाना कि जिससे इंसान अपनी दुनिया को न संवार सके, ये भी तो ठीक नहीं है। तो ये दीन इस्लाम भी यही कहता है कि ये ठीक नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? ना सही तरीका वो है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ दुनिया का होके रह जाए, और ना सही तरीका ये है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने दीन की मेहनत में लग जाए और इस जहान में रहने के लिए कोई इंतजाम ना करे, कोई कोशिश ना करे, और फिर लोगों के सामने भीख मांगता फिरे, फिर लोगों के सामने धक्के खाता फिरे, फिर लोगों के सामने वो जलील होता फिरे, ये भी जिंदगी गुजारने का तरीका ठीक नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका वो है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया है कि तुम अपना घर भी देखो, तुम अपना कारोबार भी देखो, तुम अपने बीवी बच्चों को भी देखो, तुम अपने अहम आयाल को भी वक्त दो, तुम अपने दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारो, लेकिन इसके साथ साथ तुम अपने अल्लाह को भी वक्त दो, और इसी जिंदगी में तुम अपनी आखिरत की तैयारी भी करो। हाँ, उस तरीके को सीख लो कि इंसान बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारे, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारे, अपने कारोबार को समेटे, और इसको इस अंदाज से करे कि उसके करने से उसकी जन्नत बन जाए। क्या खूबसूरत जिंदगी है! नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा तिजारत करता है
حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے کہ جو بندہ تجارت کرتا ہے اور تجارت کرتے ہوئے وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا, وہ جھوٹ نہیں بکتا, دھوکہ نہیں دیتا ہے لوگوں کو, نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یہ تجارت کرنے والا بندہ اس کی یہ تجارت کے جس میں اس نے دھوکہ نہیں دیا, جھوٹ نہیں بولا, اس تجارت کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوا. تو دین اسلام ہمیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا, دین اسلام ہمیں اپنا کاروبار بند کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے, دین اسلام ہمیں ملازمت کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, دین اسلام ہمیں کسی غار میں جا کے پناہ لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے, بلکہ دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے یہی گلی, یہی محلہ, یہی بازار, یہی شہر اور یہی گھر اور یہی لوگ اور یہی بیوی بچے, ان میں رہنے کا آؤ ہم تمہیں ایسا راستہ بتاتے ہیں, ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تم وقت گزارو گے اور تم سیدھے جنت میں جاؤ گے. تو لہذا زندگی کے دو پہلو ہوئے, ایک پہلو یہ کہ انسان اس دنیا کو بنا لے اور ایک پہلو یہ کہ انسان آخرت کو بنا لے. جبکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے. یہ خوبصورت تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. ایک دو میں مثالیں پیش کرتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین اسلام نے کیسا خوبصورت ہمیں درس دیا ہے کہ اگر انسان اس کے مطابق زندگی گزارے تو اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. ایک چھوٹا سا عمل ہے, نبی علیہ السلام نے سکھایا, ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ پڑھنے پر روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں ہر مسلمان کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کتنے مسلمان ہیں, تقریباً کوئی 2.5 ارب کے قریب جو ہیں. تو جو بندہ یہ کلمات پڑھے اس کو اتنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے, اور کتابوں میں لکھا ہے اسی کلمے کو اگر کوئی آدمی 25 دفعہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو وہ درجہ دے دیتے ہیں کہ وہ جو دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اس بندے نے ان کلمات کو بار بار پڑھا تو نیکیوں کے انبار لگ گئے. آپ اگر اس کو کیلکولیشن کرنا شروع کریں تو شاید آپ کے کیلکولیٹر وہ جواب دے جائیں, اتنی زیادہ نیکیاں بنتی ہیں. اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد اس کو انعام کے طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ اب وہ بندہ مانگتا ہے اللہ میرا کاروبار اچھا کر دے, میرے حالات اچھے کر دے. تو اللہ نے اس کو اس عمل کی وجہ سے وہ مقام دے دیا ہے کہ وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا, آخرت بھی بنی, دنیا بھی بنی. ایک اور عمل دیکھ لیجیے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے ہوئے سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے اور وہ پھر سو جاتا ہے, رات کے کسی لمحے میں اس کی آنکھ کھلی تو نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اس بندے نے دین و دنیا کی جو بھی بھلائی اللہ سے مانگی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دے. اب جس بندے نے وضو کیا اور اس کے بعد سو گیا تو اس کے سونے میں کیا خلل واقع ہوا؟ ہاں انعام ملا, فائدہ ہوا اس کو کہ باوضو سونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ فرما دیا. اب کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں دین کے پیچھے اس لیے نہیں چلتا کہ پھر میری دنیا بگڑ جاتی ہے, پھر میرے حالات بگڑ جاتے ہیں, پھر میرا کاروبار نہیں رہتا, تو وہ ذرا دیکھے نا کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی دنیا بھی بن رہی ہے اور اس کی آخرت بھی بن رہی ہے. ایک تیسری مثال دیکھ لیجیے, ایک آدمی نے اس کو پیاس لگی تھی, اس نے پانی پینا تھا, پانی لیا اس نے اور کھڑے حالت میں اس نے پانی سارا کا سارا ایک سانس میں اپنے پیٹ میں اتار لیا.
जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, खड़े होते हैं और एक सांस में सारा पानी पी जाते हैं। अब इस पीने से इंसान को दुनियावी एतबार से भी नुकसान होता है और आखिरत के एतबार से भी नुकसान होता है। दुनियावी एतबार से नुकसान होता है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि जब इंसान को प्यास लगी हुई होती है तो उसकी रगे खुश्क होकर बार दफा आपस में चिपक जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। जब जोर से ऊपर से पानी का प्रेशर पड़ता है तो कई मरतबा रगे फट जाती है। दुनियावी एतबार से यह नुकसान हुआ और आखिरत के एतबार से नुकसान ये हुआ कि उस बंदे को बजाय अजर सवाब मिलने के शैतान की इत्तबा करने की वजह से उल्टा गुनाह हुआ। और अगर यही तरीका दीन इस्लाम में सिखाए हुए तरीके पर कर लिया जाए तो दुनिया का भी फायदा और आखिरत का भी फायदा। दुनिया का क्या फायदा कि नबी इस्लाम ने हमें तालीम दी कि तुम पानी पीते हुए खड़े ना हो बल्कि बैठ जाओ और पानी पीते हुए तुम उसको एक सांस में पूरे के पूरे पानी को ना उतारो बल्कि पहले एक छोटा सा घूंट ले लो जिसकी वजह से तुम्हारी खुश्क रगे जो चिपकी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, वो खुल जाएंगी, पानी का रास्ता खुल जाएगा, अगला पानी का घूंट उससे बड़ा ले लो, फिर आखिरी सांस में तुम सारा पानी पी लो और शुरू में तुम कहो बिस्मिल्लाह और आखिर में कहो तुम अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिस बंदे ने इस तरह से पानी पिया उसको दुनियावी एतबार से तकलीफ और बीमारी से बचने का रास्ता मिल गया और आखिरत के एतबार से ये कि सिर्फ दुनिया में पानी पीने की प्यास जो है वो खत्म नहीं हुई है बल्कि उसके आखिरत के वजह से आखिरत की जो है वो उसको इनाम ये मिलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने की वजह से उसको 100 शहीदों का सवाब अता कर दिया जाए। दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। अगला अमल देख लीजिए, हर बंदा इस बात की तमन्ना करता है कि मुझे अल्लाह ताला वसी रिज़्क़ अता फरमाए, मुझे खुला रिज़्क़ नसीब हो। उसके लिए वो सारा दिन पापड़ बेलता फिर, सारा दिन खाक छानता है, सारे उल्टे सीधे काम करने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरा रिज़्क़ ज्यादा हो जाए। तो नबी इस्लाम ने एक अमल बताया कि जिससे इंसान का रिज़्क़ भी वसी हो जाता है और उसकी आखिरत भी संवर जाती है, वो कौन सा अमल है? नबी इस्लाम ने इशारत फरमाया जो बंदा अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ वसी कर देते हैं। और आखिरत कैसे संवरी कि नबी इस्लाम ने इशारत फरमाया जो बंदा अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है अल्लाह ताला उसको बुरी मौत से बचा लेते हैं। और बुरी मौत कौन सी होती है कि इंसान बगैर ईमान के मर जाए, ये सबसे बुरी मौत है, कुफर की हालत में बंदा मर जाए। तो गोया कि इंसान का रिज़्क़ भी वसी हुआ, दुनिया भी बनी और आखिरत भी बनी। तो दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है कि अपने मानने वालों के लिए इस जहान के संवरने की भी गारंटी देता है और अगले जहान के संवरने की भी गारंटी देता है। लिहाजा हमें चाहिए, हमने कलमा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। कुरान अजीम शान, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो कोई बंदा नेक बनकर जिंदगी गुजारेगा, तवज्जो तलब बात है, ध्यान से सुनने की बात है, अल्लाह का पैगाम बंदों के नाम, अल्लाह के कुरान में बंदों के लिए पैगाम आए हैं, तो हम जरा इसको ध्यान से सुने कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें क्या मैसेज आया, क्या पैगाम आया। अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा नेक बनकर जिंदगी गुजारेगा हम उसके नेक बनकर जिंदगी गुजारने की वजह से दुनिया की जिंदगी को उसके लिए पुरसुकून बना देंगे। आज हम देखें ना, अगर कारोबार अच्छा है, सुकून नहीं है, तो बंदा कहता है यार इस कारोबार को मैंने आग लगानी है, मुझे सुकून चाहिए। एक आदमी जो है वो महल नुमा कोठी बनाता है और उसकी जिंदगी में सुकून ना हो तो वो कहता है कि मैं इस घर को क्या करूंगा, मुझे तो ये घर खाने को आता है, मेरा तो उस कोठी में जाने को भी दिल नहीं करता, मुझे तो सुकून चाहिए।
इंसान नरम गरम बिस्तर पर लेटा हुआ है और सारी रात जो है वो मछली की तरह तड़प रहा है, उसको सुकून नहीं आ रहा, तो कहते हैं मैंने इसको क्या करना है, मुझे तो सुकून चाहिए, मुझे तो सारी रात एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिला, इससे बेहतर था कि मैं किसी चटाई के ऊपर फर्श के ऊपर पड़ जाता लेकिन मीठी नींद सुकून की नींद में सो जाता। तो मालूम हुआ कि इंसान सुकून का मुतलाशी है, अगर इसकी जिंदगी में सुकून नहीं है तो ये तो जहन्नमियों वाली जिंदगी की कैफियत है। जैसे लोग कहते हैं ना कि ऐसे अजीब हालात है, ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं, आपने सुना कभी कि ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं, ये अजीब मुसीबत में फंसे हुए। अब ये जो बंदे की कैफियत होती है कि ना वो जीता है ना वो मरता है, तो ये कैफियत किसकी होगी? ये कैफियत जहन्नमियों की होगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना वो उसमें जिएंगे ना वो मरेंगे। तो अगर दुनिया में किसी बंदे के लिए हाल है कि ना वो जीता ना वो मरता है, तो गोया कि उसकी हालत तो जहन्नम वाली दुनिया में आ गई है। तो मालूम हुआ कि इंसान को जिंदगी में खुशगवार जिंदगी मिलना, सुकून मिलना, ये असल जिंदगी है। अब ये कैसे मिलेगी? अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, जरा दिल के कानों से सुनिए, इरशाद फरमाया मन आमिन सालिहम मिन ज़करिन औ उन्था व मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो कोई नेक अमल करे, मर्द है या औरत है, बस वो ईमान वाला है, अल्लाह उसको क्या होगा? फरमाया फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम जरूर भी जरूर उसको खुशगवार पुरसुकून जिंदगी अता करें। चुनाचे कितने लोग हैं, कारोबार बड़ा नहीं होता, घर बड़ा नहीं होता, कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका कबीला नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मामूली लिबास, मामूली खाना, मामूली घर, लेकिन दिल में सुकून ऐसा होता है कि वो कसमें खा के कहता अल्लाह की कसम मुझे जन्नत का मजा है। तो ये सुकून अल्लाह ने नेक आमाल में रखा है। तो कामयाब जिंदगी वो कि दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। तो इसी आयत में देखिए अल्लाह ताला ने नेक आमाल करने वालों को पहले दुनिया अच्छी होने में खुशखबरी दी है कि हम उनको पुरसुकून जिंदगी देंगे, और आयत अभी खत्म नहीं हुई, आयत अभी आगे चल रही है। अगले हिस्से में अल्लाह ताला खुशखबरी ये दे रहे हैं कि हम उनकी आखिरत भी संवार देंगे। सुनिए जरा कुरान इरशाद फरमाया من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। हम जरूर जजा देंगे, बदला देंगे, अजर देंगे उनको जो दुनिया में नेक अमल किया करते थे, हम जरूर उसकी जजा देंगे। और अल्लाह आप जजा क्या देंगे? इरशाद फरमाया जजा ये देंगे कि हम उनके लिए जन्नत तैयार कर रखेंगे और वो जैसे ही हमारे पास आएंगे हम उनकी जन्नत में मेहमानियां करेंगे। तो दुनिया की जिंदगी भी जन्नत का नमूना बनी और मर के भी जन्नत नसीब हुई। ऐसे दीन को भला कौन छोड़ेगा? मगर बदबخت लोग, बदनसीब लोग, बदअकीदा लोग, ना समझ लोग क्या कहते हैं, और जी दीन में बड़ी पाबंदी है, हमसे नहीं दीन पर अमल होता। फिर इसकी मिसाल तो ऐसा ही हुई ना कि जैसे किसी कुम्हार को जो है वो मोती मिल गया था, उसको बेचकर वो करोड़ों रुपए का माल ले सकता था और अपनी जिंदगी को आसूदा बना सकता था, लेकिन मत मारी हुई थी, वो मोती को जानता नहीं था, उसने वो मोती उठाकर अपने गधे के गले में डाला। तो हमने भी दीन को जो है किसी खास तबके के लिए छोड़ दिया कि जी हम तो दुनियादार बन गए, अपनी जुबान से कहते हैं कि जी हम तो दुनियादार बन गए, और जिसको दीन पर अमल करते हुए देखते हैं उसको अपने से अलग समझते, कहते हैं ये मौलवी है। भाई हम दुनियादार हैं, ये मौलवी है, उसमें और हम में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो दीन पर अमल करता है और हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं और हम
कहा ये इनके खाते में जाए और हमें तो इसकी जरूरत नहीं, हमने तो धक्के ही खाने हैं, हमने तो जिल्लत देखनी है, हमने तो परेशानी देखनी है। जबकि सहाबा इकराम जब दीन, जब तक दीन नहीं आया था उस वक्त तक जो जिंदगी उन्होंने गुजारी थी, और बाद में जब दीन आ गया उस दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी थी, तो सहाबा कसमें खा खा के क्या करते थे, अल्लाह की कसम हम, अल्लाह ने हमें इस दीन की वजह से इज्जत अता फरमाई, इस दीन की वजह से हमें सुकून मिल गया, इस दीन की वजह से हमें बरकत मिल गई। तो हम तो नहीं जानते थे इस इलम को कि यूं करें तो दुआ कबूल होती है, यूं करें तो फिर इंसान को बरकत नसीब होती है, यूं करें तो इंसान को जो है वो सआदतें नसीब होती हैं। ये तो हमारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप कुर्बान हों कि उनका एहसान है कि उन्होंने हमें आके ये दीन की दौलत अता फरमाई है कि अपनी उम्मत को जिंदगी गुजारने का ऐसा बेहतरीन बताया है कि जिससे उसकी दुनिया भी बन जाए और उससे आखिरत भी बन जाए। लोग सहाबा इकराम के बारे में ये कहते हैं और जी उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, और जी उनके पास पीने को कुछ नहीं होता था, उनके तो कपड़ों पर कैमन लगे हुए होते थे, वो तो जी झोंपड़ियों में रहते थे, और जी हम तो कमजोर लोग हैं, हमसे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सहाबा की जिंदगी की एक पहलू को बयान किया जा रहा है, उस पहलू को भूल गए कि एक एक सहाबी के दस्तरखान के ऊपर 60-60 हज़ार बंदा खाना खाता है। और उनके उन वो सहाबा इकराम भी थे अपने माल की जब ज़कात निकालते थे, अगर वो ज़कात किसी एक बंदे को दे दी जाए तो वो इतना अमीर बन जाए कि उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब हो जाए। ये किसी गरीब बंदे की बात हो सकती है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने घर में सोने की ईंटों को मैं लकड़ियां काटने वाले कुल्हाड़े के साथ काटा करता था। अब सोने की ईंट अगर तोलों और माशों में हो तो उसको भला लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े के साथ तो कोई नहीं काटता, वो बड़ी बड़ी ईंटें होंगी। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने उनको इतना मार दिया था कि जैसे हमारे घरों में बड़ी बड़ी हवेलियों में कपास रखी होती है, गंदम के ढेर लगे हुए होते हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह के घर के अंदर सोने और चांदी के सिक्के क्यों ढेर लगे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको दीन दिया जिससे दुनिया उनके घर की बांदी बन जाती थी। आज हम दीन से इसलिए भागते हैं शायद हमारी दुनिया तबाह हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यह खूबसूरत दीन अता फरमाया। आज कितने लोग हैं तवज्जो फरमाइएगा, जो हजरात नीचे पर देख के मुराक़बा कर रहे हैं भी थोड़ी देर मेरी तरफ जरा तवज्जो करें, फायदा ज्यादा होगा इंशाल्लाह। दुरूशी पढ़े एक दफा, आज हम से कितने लोग हैं कि वो कीमती आमाल, तवज्जो कीजिएगा, वो कीमती आमाल के जिनके करने से इंसान की आखिरत संवरती है और दुनिया तो साथ मुफ्त में ही बन जाती है, हम वो कीमती आमाल सिर्फ इसी मारी हुई गंदगी की इस दुनिया की खातिर उन मुकद्दस आमाल को कर रहे हैं। कितने लोग हैं फजर की नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि मेरा कारोबार अच्छा हो, इन्ना लिल्लाह, भाई इतना कीमती अमल आपने इसकी खातिर गवा दिया, काश कि तुम फजर इसलिए पढ़ते कि मेरा अल्लाह राजी है, तुम फजर इसलिए पढ़ते कि मुझे अल्लाह अपनी पसंद वाली जगह जन्नत नसीब फरमा देगा। तो दुनिया तो तुम्हें मुफ्त में मिली जा रही थी। एक आदमी अगर 500 रुपए का सौदा ले, 500 रुपए का सौदा ले तो उसको शॉपर मुफ्त में नहीं मिलता, उसको कार्टन मुफ्त में नहीं मिलता। तो मालूम हुआ कि ये तो मुफ्त में मिलना ही था, वो बेवकूफ क्या करे, उसको कहे कि 500 का तो मैंने सिर्फ शॉपर ही लेना है, तो उसको कौन अकलमंद कहेगा, हर कोई उसकी बेवकूफी पे हंसेगा कि इतने पैसे लगा भी शॉपर खरीद रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम आखिरत के कमाने वाले बनेंगे, जब हम आखिरत का सौदा अल्लाह से लेंगे, तो आखिरत की तैयारी के लिए हिफाजत के तौर पर दुनिया का मालूम होता तो चाहिए ना,
भाई अगर इंसान के पास सेहत नहीं है, तवज्जो करें, अगर सेहत नहीं है तो वो इबादत कर सकेगा? उसके पास कपड़े नहीं है, सर्दी से ठिठुर रहा है, तो आखिरत की तैयारी क्या करेगा? उसके पास घर नहीं है रहने को, तो वो इबादत कैसे करेगा? तो आखिरत की तैयारी नहीं होती दुनिया के साजो सामान के बगैर। अल्लाह ने सूरज बनाया, चांद बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाया, सितारे बनाए, अल्लाह ने खेतियां उगाई, फल उगाए, मेवाजात बनाए, इंसान के लिए किस महाकिस्म की चीजें बनाई, अल्लाह ने सारा कुछ आपने बना दिया है, किस लिए बनाया है? फरमाया मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मेरे बंदे इन चीजों से नफा उठाएं और आखिरत की तैयारी करें। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी रिजा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी रिजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, बहर पर शमसो कमर माओ शुमा के वास्ते, ये सारा जहां तेरे लिए है, ये सारा जहां तेरे लिए है, और तू खुदा के वास्ते। अल्लाह ने तो ये सब कुछ हमें दिया था कि इस दुनिया में जाके मेरे बंदों ने मेरी इबादत करनी है, इस दुनिया में जाके मेरे बंदों ने आखिरत की तैयारी करनी है, उनको खाने की जरूरत पड़ेगी, उनको पीने की जरूरत पड़ेगी, उनको पहनने की जरूरत पड़ेगी, उनको रहने की जरूरत पड़ेगी, जो जो जरूरत बंदे को पड़ सकती थी अल्लाह ने वो सारे इंतजाम बंदों के लिए कर दिए। लो मेरे बंदों ये ले लो, हम आखिरत की तैयारी करो, और हम ऐसे निकट्टू निकले कि सारा कुछ खा के डिगार मार गए थे, अल्लाह ने इबादत तो नहीं होती हमसे। मैं आपके बारे में या लोगों के बारे में नहीं, बात को समझने के लिए मिसाल दे रहा हूं। एक आदमी ने जो है वो एक कुत्ती पाली हुई थी, और वो उसको जो है वो दूध भी पिलाता था, और उसको जो है वो मेवाजात भी खिलाता था, खूब उसकी आव भगत करता था, परवरिश करता था। मकसद क्या था कि जब मौका आएगा, तैयार होगी तो मैं शिकार पे लेकर निकलूंगा, तो ये जो है मुझे शिकार करके देगी। शिकार के दिन के लिए उसको तैयार कर रहा था, खूब खिलाया खूब खिलाया। एक दिन उसको उसने सोचा कि आज मैं अपनी कुतिया को लेकर जाता हूं शिकार के लिए। बाहर निकला, जब उसको शिकार नजर आया तो उसने अपनी कुतिया का जो है वो रस्सा खोला ताकि ये फौरन शिकार पकड़ के लाकर मुझे दे। लेकिन उस वक्त उसकी हसरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि उस कुतिया को जब उसने शिकार पे छोड़ा था, वो बजाय शिकार के पीछे भागने के वो तो पेशाब करने लग गई। वो सर पकड़ के बैठ गया, इतना खिलाया इतना खिलाया, और जब शिकार पकड़ने का वक्त आया तो उसको पेशाब आ गया। तो अल्लाह ताला को उस बंदे के ऊपर कितना अफसोस होता है, अल्लाह ताला को उस बंदे के ऊपर कितनी नाराजगी होती है कि अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया, उसको पाला पोसा, हिम्मत दी, ताकत दी, जवानी दी, सेहत दी, घर दिया, सब कुछ दिया, और जब आखिरत की तैयारी की बारी आई तो पढ़ के सो गया। अब इसके अंदर हिम्मत नहीं, चुनाचे हम ऐसे ही करते हैं, हमें थकावट नहीं होती, हम बोझल नहीं होते, हमें नींद नहीं आती, हमारी परेशानी नहीं होती। जब हमने दुनिया के मामला करते हो और जब हमें नमाज पढ़ने का वक्त आए, उसी वक्त बस तबीयत मेरी जरा साथ नहीं है, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे तो सर्दी बहुत लगती है, मैं तो मस्जिद नहीं जा सकता। तो जब हम आखिरत की तैयारी छोड़ देंगे, आखिरत की तैयारी छोड़ देंगे, तो अल्लाह ताला को हमें दुनिया की नेमतें देना अल्लाह ताला का कोई मकसद नहीं है। ये सारा सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आखिरत की तैयारी हो। आपने देखा होगा कि मां बाप अपनी गुर्बत और तंगी के बावजूद भी अपने उस बेटे के लिए हॉस्टल में रहने के इंतजाम करते हैं, उसके लिए मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी फीसें भर लेते हैं, उसको जो है वो यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म लेके देते हैं, और न जाने उसके लिए क्या कुछ वो इंतजाम करते हैं कि ये
ये हमारा बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा, अपने मकसद को पा लेगा, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि ये सरकार सारी सहूलियात हमसे लेके जाके वहां मजे उड़ाता रहता है, वहां अय्याशियां करता रहता है, माँ बाप का उसी दिन फैसला में बदल जाए, तो फिर कहना बिल्कुल ऐसे ही जैसे माँ बाप कहते हैं कि ये अय्याशियां कर रहा है, माँ बाप फैसला बदल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही परवरदिगार जब अपने बंदों को देखते हैं कि मैंने तो ये सब कुछ इनको दिया था आखिरत की तैयारी के लिए, मगर ये तो आखिरत में नहीं, ये तो दुनिया में ही मजे करना चाहते हैं, तो अल्लाह के भी फैसले फिर बदल जाते हैं, फिर अल्लाह के फैसले भी बदल जाते हैं। फिर हमें वो आयतें याद आती हैं, और ये अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम्हारे रिज़्क़ का जिम्मा मेरे ऊपर है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मेरे बंदों मेरे वादे हैं, इस बात को जरा ध्यान से हम याद सुन ले और याद रखें कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मेरे बंदों मेरे वादे हैं, लेकिन मैं वादे उस वक्त पूरे करूंगा जब तुम मेरे साथ वादा पूरा करोगे। अगर तुम वादा नहीं पूरा करोगे तो फिर मैं भी वादा नहीं करूंगा। अल्लाह की अल्लाह का वादा है ना, मैं मदद करूंगा, क्यों भाई है नहीं, लेकिन किसकी? काफरों की, बेईमानों की, मुनाफिकों की, बेनमाजियों की? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का वादा है मैं मदद करूंगा, लेकिन उसकी मदद करेगी अल्लाह जो अल्लाह की मान कर चलेगा, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह की मदद उसके साथ आती रहेगी। तो लिहाजा हमें चाहिए हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, हम आखिरत के लिए जी रहे हैं या क्या दुनिया के लिए जी रहे हैं। चुनांचे जब हम इस नजर से अपना जायजा लेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो हमें नजर आएगा कि मैं तो ये तस्ती भी इसलिए करता था ताकि मेरे कारोबार अच्छा हो जाए, मैं तो फलां अमल भी इसलिए करता था ताकि मुझे जो इज्जत मिल जाए, मैं तो फलां अमल भी इसलिए करता था, फलां भी अमल करता था, तो लिहाजा वो तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब ऐसा कुछ करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो हमने आखिरत की तैयारी के लिए नेकियां करनी है। जो बंदा आखिरत की तैयारी के लिए नेकियां करना शुरू कर देगा, अल्लाह ताला उसके कहे बगैर ही उसकी दुनिया संवार देंगे। तो इसलिए हम आज से ये नियत करें, ये इरादा करें कि हम इंशाल्लाह नमाज किस लिए पढ़ेंगे भाई, ताकि हम आखिरत में कामयाब हो जाए। नमाज किस लिए पढ़ेंगे? आखिरत में कामयाब हो जाए। कुरान किस लिए पढ़ेंगे? आखिरत में कामयाब हो जाए। हम अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी किस लिए करेंगे? आखिरत में कामयाब हो जाए। हम सच किस लिए बोलेंगे? आखिरत में कामयाब हो जाए। हम झूठ से किस लिए बचेंगे? ताकि आखिरत में कामयाब हो जाए। अगर कोई बंदा जिंदगी का हर काम करते हुए ये नियत कर ले कि मेरी आखिरत समझ जाए, मेरी आखिरत समझ जाए, मेरी आखिरत समझ जाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं उसकी आखिरत के संवरने से पहले अल्लाह उसकी दुनिया संवार देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज से हम ये तहिया करें, ये नियत करें। मैं कुरान करीम की चंद आयात आपके सामने पढ़ के उनका मुख्तसर से तर्जुमा करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला गोया के आप यूं कहिए कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत और प्यार से शिकवे कर रहे हैं कि इनको क्या हो गया, कि आखिरत की इनको फिक्र नहीं है, इनको आखिरत का ध्यान नहीं है, क्यों नहीं आखिरत की तैयारी करते? आपने देखा होगा लोग घर बनाते हैं ना, तो वो पहले से तय कर लेते हैं ये किचन है और ये हमारा बेडरूम है, ये टीवी लॉन है और ये मेहमान खाना है, मुतय्यन करते पहले से तय करते हैं कि ये कमरा इस मकसद के लिए और ये कमरा इस मकसद के लिए और ये चीज इस मकसद के लिए बनाने से पहले तय करते हैं। और फिर जब घर बनाते हैं तो बाकायदा फिर इंजीनियर से पूछते हैं कि ये भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये कितने अर्सा चल रहे हैं, तो साइंस जो है वो ये बताती है कि ये आपकी बिल्डिंग इतने अर्सा चलेगी और ये इतना अर्सा चलेगी, उसके बाद इसको आप खत्म कर देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो जमीन आसमान ये सारा कुछ बनाया, तो अल्लाह आपने ये क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने वो भी बताया, अल्लाह ताला खुद सवाल करते हैं, फरमाते क्या
तुम जो कुछ बनाते हो वो सारा कुछ मकसद बनाते हो। हमने जमीन आसमान इतना सारा कुछ बनाया बगैर मकसद के बनाया, और अगर हमारा कोई मकसद है तो वो फिर क्या है, हमने क्यों बनाया? और फिर इसकी जो है वो एक्सपायरी डेट क्या है, इसका वक्त कब खत्म हो जाएगा? अल्लाह ताला ने वो भी बताया। सुनिए अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाया, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون। दुनिया की जिंदगी के बारे में तो इनको कुछ पता है कि जी कारोबार कैसे करना है, मकान कैसे करने है, खेती बाड़ी कैसे करनी है और अड्डे कैसे चलाने, ये तो पता है इनको, लेकिन आखिरत इसके बारे में ये गाफिल, इनको कुछ पता नहीं है। और फिर आगे इशारा फरमाया, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى। أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا, कभी गौर नहीं किया, कभी सोचा नहीं है, अपने अंदर झांक के कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, अल्लाह किस बात पर? मा खलकल्लाहु समावाति वल अर्ध वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक, कि अल्लाह ने जो आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीन बनाई और जमीन के अंदर जो कुछ है ये सारा बनाया, ये किसी खास मकसद के लिए नहीं है, वैसे ही है, फजूल है। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अजलिन मुसम्मा, और इसकी एक्सपायरी डेट कोई नहीं रखी अल्लाह ने, लोगों ने एक्सपायरी डेट कह दिया, अल्लाह ने उसका नाम क्यामत रखा हुआ, एक दिन आएगा ये जहां खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने वो वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि इस वक्त तक हम जमीन भी रखेंगे, आसमान भी रखेंगे, चांद और सूरज भी रखेंगे, उस वक्त तक हम मोहलत देते रहेंगे, जिसका जी चाहे वो अपनी जन्नत कमा ले। और फिर इशारा फरमाया, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ। लोगों में बहुत सारे हैं जो सिरे से अपने रब से मुलाकात के ही इनकारी है, यानी अपने अल्लाह से मिलने का उनका कोई इरादा नहीं है, उनके दिल में शायद हमारी मुलाकात होनी नहीं अल्लाह से, अल्लाह के पास हमने जाना ही नहीं। अच्छा, मैं और आप कहते नहीं जी हम तो इनकार नहीं करते। अच्छा भाई, अगर इनकार नहीं करते तो हमारा अमल क्या बता रहा है? कि जो अल्लाह से मिलने का यकीन रखता है उसका अमल ऐसा होता है जैसे हम करते हैं? नहीं, हमारा अमल बता रहा है कि हम अल्लाह ताला से मिलने का यकीन नहीं रखते। अच्छा, अगर अल्लाह हम आपसे मिलना चाहें तो फिर क्या करें? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन काना यरजु लिका रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा, जिसे अल्लाह से मिलना है तो वो फिर क्या करे? वो भाग भाग के नेकियां करे, दिन रात नेकियों में लगा रहे। चुनाचे एक बुजुर्ग थे, उनके पास कोई बंदा आता बैठता, खैर खैरियत पूछता, तो वो बुजुर्ग फरमाते, अच्छा भाई, दुआ सलाम के बाद फरमाते, अच्छा भाई आपने भी आखिरत की तैयारी करनी होगी और मैंने भी तैयारी करनी है, अच्छा फिर जन्नत में मिलेंगे, अच्छा फिर जन्नत में मिलेंगे। वो कहते थे जन्नत में मिलेंगे, और आज हम देखते हैं बंदा बूढ़ा हो गया, टीवी के सामने बैठा हुआ है, बंदा बूढ़ा हो गया और ताश के पत्ते फेंक रहा है, और बंदा बूढ़ा हो गया हुक्के के सूटे लगा रहा है, पूछो क्या कर रहा है? बस बेटा वक्त पास कर रहा है। भाई तेरे पास इतना वक्त ज्यादा है कि तूने आखिरत की तैयारी कर ली है और अब सिर्फ तू उसको पास कर रहा है? तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए हम आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की फिक्र करें, आखिरत के लिए दिन रात मेहनत करें। लिहाजा नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया, जो बंदा आखिरत को अपना गम बना लेगा, यानी आखिरत की फिक्र में दिन रात जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा, उसको बाकी तो जो इनाम मिलेंगे सो इनाम मिलेंगे, एक बड़ा इनाम ये मिलेगा कि नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया, अल्लाह ताला उसको तमाम दुनिया के फिक्रों से बेपरवाह कर देगा, बेगम कर देगा, कोई गम और कोई फिक्र उसको नहीं रहेगी। आखिरत की फिक्र हम अपने जिंदगी में ले आए। किसी अल्लाह वाले ने कहा, फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उकबा करके देख। दुनिया की तो फिक्र करके देख ली, अब आखिरत की फिक्र करके देख कितना मजा आता है। फिक्र दुनिया करके देखी, फिक्र उकबा करके देख, कौन किसका है बना, कौन किसके है काम आया, सबको अपना
दिखा रब को अपना करके देख। अल्लाह के साथ हम दोस्ती लगा के देखें, अल्लाह की तरफ हम कदम बढ़ा के तो देखें, हमारे मसाइल कैसे हल होते हैं, हमारी दुआएं कैसे कबूल होती हैं, हमारी बिगड़ी कैसे बनती है, हमारी मुश्किलें कैसे आसान होती हैं। हम अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएं, हम अपनी आखिरत के लिए फिक्रमंद हो जाएं कि मैंने जिंदगी गुजार ली, बड़ी गुजार ली, अब के बकिया जो अय्याम है, बकिया जो मेरे लम्हात हैं, जो मेरे सांस हैं, मियां मैं इस दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं उसकी फिक्र और उसकी कोशिश में मेहनत में लगा हुआ हूँ। लिहाजा जो बंदा आखिरत की तैयारी करना चाहे वो उसको क्या करना पड़ता है, उसको गुनाह छोड़ने पड़ते हैं और उसको नेकियां करनी पड़ती हैं। क्यों भाई ऐसा ही है ना, जो बंदा अपनी आखिरत की तैयारी करना चाहे सब बोल के बताएं उसको क्या करना पड़ता है, गुनाह छोड़ने पड़ते हैं और नेकियां करनी पड़ती हैं। अच्छा नेकियां तो हम जिंदगी में करते ही रहेंगे, नहीं करेंगे, और जो कर लिए हैं उस पर अल्लाह से माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो लोग इस अमल की वजह से अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। तो हम सब अपने अल्लाह को राजी कर लेते हैं इंशाल्लाह कि आइंदा गुनाह ना करने का दिल में पक्का इरादा, और जो अब तक किए हैं उनसे अल्लाह से माफी, और नेक बनकर जीने का आजम और इरादा, इसी का नाम है तौबा। और जो बंदा तौबा कर ले, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अत्तायबू हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का हबीब होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। सारे दोस्त जो है वो इस मौके को गनीमत जाने, अल्लाह ताला से हम दोस्ती करके उठेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सबका इरादा है ना इंशाल्लाह, अल्लाह से हम दोस्ती करेंगे। अल्लाह तौबा करने वालों से दोस्ती कर लेते हैं, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तौबा करने वालों के गुनाहों को माफ कर देते हैं, अल्लाह तौबा करने वालों से राजी हो जाते हैं। सारे दोस्त तौबा करने की नीयत फरमा लें और नेक बनकर जिंदगी गुजारने का दिल में इरादा कर लें। हमारे मशायख यही मेहनत लेके गली गली पूछा पूछा फिरते हैं, लोगों आओ गुनाहों से तौबा करें, लोगों आओ नेक बनकर जिंदगी गुजारने का हम फैसला करें। और याद रखिए, अभी मैं आपको कहूँ कि भाई आपको गाड़ी चाहिए, आप कहेंगे चाहिए, मैं कहूँ चलाओगे, आप कहेंगे क्यों नहीं, हमें तो चलाने के लिए तो गाड़ी ले रहे हैं, तो फिर अगला होगा भाई फिर सीख लो, ऐसे किसी के अंदर मारोगे अपनी जान भी जाएगी, अगले की भी जान जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम नेक बनना चाहते हैं, आखिरत संवारना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, तो मियां फिर नेक बनना सीख ले। तो नेक बनना जो सीखे उसको मुरीद कहते हैं, और जो सिखाए उसको पीर कहते हैं। हमारे यहां तो पीर उसको कहते हैं फिर शू शू करना फिर, और जो दम करवाने जाए वो मुरीद, और जो है वो करे वो पीर। अरे ऐसा नहीं है, ये दम दुरूद तो कोई छोड़ा भी कर लेता है, आपने नहीं देखा हिंदुओं को भी करते हैं, थोड़ी भी करते हैं, चूड़े भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं, तो वो भी सारे पीर हैं। पीर का काम ये नहीं है, हाँ यू जरूर है कि जो पीर लोग होते थे, जो अल्लाह वाले होते थे, लोगों को दीन सिखाते थे, अगर कोई बीमार हो जाता, किसी को मसला हो जाता, तो वो कुरान की आयत पढ़ के उसको दम भी करते थे। सिर्फ दम करने वाले का नाम पीर नहीं है, बल्कि पीर तो रसूलुल्लाह का नायब होता है, पीर तो अल्लाह के नबी का जो है वो खलीफा होता है। तो जो नबी का काम होता है वही पीर का काम है। नबी ने आके दुनिया में सिर्फ शुशु नहीं की है, बल्कि लोगों को ऐसी जिंदगी सिखाई है, कोई इंसानों को अल्लाह के पास से मिला दे, ऐसी जिंदगी सिखाई है कि जो इंसानों को इंसान बना दे। किसी कहने वाले ने कहा नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर बयां आए, झुकाने आए बंदों की जमी अल्लाह के दर पर। बंदे बंदों के सामने झुकते फिरते थे, कोई किसी को सजदा कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सजदा किसी के लिए जायज नहीं है, किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं है। जिस सजदा सिर्फ उसके लिए है, ये सर सिर्फ उसी के सामने झुकेगा जिसने ये सर हमें दिया है। ये सर किसके सामने झुकेगा? जिसने ये सर हमें दिया है। बाकी जो अल्लाह के बंदे हैं उनका तो सिर्फ एहतराम,
करे और उनकी जिंदगी में जो काम था मेहनत की, लोगों को कुरान सिखाए, लोगों को अल्लाह के अहकाम सिखाए, लोगों को दीन पर चलने का तरीका बताए, पीर उसका नाम होता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पीर बनाने का मकसद ये होता है कि इंसान गुनाह छोड़ दे। और हजरत ने गुनाहों को पीर दर्द कहा, दर्द मरज बीमारी। तो हजरत ने फरमाया ये जो गुनाह है ये मरज है, क्योंकि नबी इस्लाम ने भी एक हदीस में फरमाया, मैं तुम्हें सबसे बड़ी बीमारी बताऊं। साहब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जरूर इरशाद फरमाइए, आपने फरमाया सबसे बड़ी बीमारी गुनाह है, सबसे बड़ी बीमारी गुनाह है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी हदीस का तर्जुमा करते हुए उस बीमारी को पीर कह दिया। अब उन्होंने अपने शेर में कहा, फरमाया पीर पड़िया जे पीर न जावे ते गीलना पीर फड़ के तेरी जिंदगी गुनाहों से पाक हो जाती, तेरा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाता, तो अल्लाह का वली बन जाता, तो अल्लाह का दोस्त बन जाता, तो नबी का सच्चा आशिक और गुलाम बन जाता। और अगर ऐसा पीर पकड़ा है कि फिर भंगे आ गई, फिर नाचना आ गया, फिर जो है वो बेहयाई आ गई, फिर औरतों में खुदे मुंह जाना आना हो गया, ऐसे पीर पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती है। जो औरतों से मुठियां करवाता है, औरतों से अपनी टांगे दबवाता है, औरतों के सरों पे हाथ फेरता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में कभी किसी औरत को नहीं देखा था। तो अल्लाह के नबी बा हया, अल्लाह के नबी बा हया, अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी उम्मत को हया सिखाई है। और नबी की आंखों में इतनी हया थी, औरत को तो क्या देखना है। रिवायात में आता है अल्लाह के नबी इतनी हया वाले थे कि मर्दों से बात करते हुए मेरे नबी की निगाहें झुकी हुई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह ताला हमें भी बाहया बनाए, अल्लाह हमें नबी का सच्चा आशिक बनाए, और अल्लाह ताला हमें सच्चे औलिया से ताल्लुक नसीब फरमाए। तो सारे दोस्त जो है वो तौबा की नियत करवा लें, और जो बाकायदा नेक बनकर जिंदगी गुजारने का इरादा रखते हैं वो सिलसिले में गैर होने की नियत फरमा लें। तो हमारे मशायख इंसान को नेक बनने का गुर बताते हैं, ऐसे अमल बताते हैं, ऐसा रास्ता बताते हैं कि सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि तहज्जुद भी नसीब होना शुरू हो जाती है। सिर्फ इंसान को जो है वो फराइज ही नहीं बल्कि इंसान को नफली आमाल करने भी नसीब हो जाते हैं। ये बाकी लोग तो पांच नमाजें मुश्किल से पढ़ पाते हैं, जो हमारे बुजुर्गों के साथ ताल्लुक जोड़ ले उसको अल्लाह ताला नौ नमाजों की तौफीक दे देते हैं। तो इसलिए सारे दोस्त दिल में नियत करें, इरादा करें, तो जो हजरात तौबा कायम होना चाहें वो तौबा की नियत कर लें, और जो तौबा के साथ बैर भी होना चाहें तो वो साथ बैर होने की नियत कर लें, नियत से सारा मामला हो जाएगा। तो ये आजिज आपके सामने खुतबा पढ़ेगा, तौबा के कलिमात पढ़ाएगा, और जो हजरात बैत होना चाहेंगे उनको बैत के लिए से पढ़ाएगा। बस सिर्फ नियत का फर्क होगा, आमाल अल्फाज वही होंगे, आप सुनते जाएंगे और पीछे पीछे साथ साथ पढ़ते जाएंगे, जैसी नियत होगी वैसी उसको मुराद मिल जाएगी। खुतबा सुन लीजिए और कलिमात को सच्चे दिल से पीछे पीछे पढ़ते जाइए। ये कलिमात मेरे साथ मिलकर सब लोग पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि वमलाइकतिहि वकुतुबिहि वरुसुलिहि वलयौमिल आखिर वलकद्रि खैरिहि वशर्रिहि। إن الله تعالى والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي
من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين इन कलिमात को पढ़ने से जिन्होंने तौबा होने की नीयत की और वताब होने की नीयत की वो तौबा तय हो चुके हैं और जिन्होंने बैत होने की नीयत की वो सिलसिला आलिया में संबंधिया मुजद्दतिया में बैत हो चुके हैं। बैत होने वाले लोगों के लिए चंद एक औराद और वज़ाइफ हैं, उनके करने से चंद इनाम नसीब होते हैं। पहला इनाम ये कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा इनाम ये कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत और इश्क दिल में पैदा होना शुरू हो जाता है। तीसरा इनाम ये कि उसके लिए नेकी का रास्ता आसान कर दिया जाता है। और चौथा इनाम ये कि अल्लाह ताला अगर तो उसको गुनाहों से ही बचा लेते हैं और अगर खुदा ना खास्ता गुनाह हो जाए तो अल्लाह उसके नामा आमाल में गुनाह बाकी नहीं रहने देते बल्कि गुनाहों को मिटा देते हैं। तो जब जिस बंदे को अल्लाह की मोहब्बत मिले, अल्लाह के नबी का इश्क और मोहब्बत मिले और उसको नेकियों वाली जिंदगी मिले, गुनाहों से बख्शिश मिले, भाई वली उसी को ही कहते हैं, उसी को कहते हैं, उसी को अल्लाह का वली कहते हैं कि दिल में अल्लाह का इश्क भी हो, नबी का इश्क भी हो, हर वक्त नेकियों में लगा हुआ हो, गुनाहों से जिंदगी पाक हो, उसी को अल्लाह का वली कहते हैं। तो गोया के इन आमाल के करने से इंसान को अल्लाह की विलायत नसीब होती है। तो सारे दोस्त इनकी पाबंदी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बाज बहर फितना कर लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई आदमी हमारे सामने आ जाए और आगे कहे हमें कि मुझे वजीर आजम मानो, हम कहेंगे तू है ही नहीं कैसे माने, हम कहें हम तो नहीं मानते आपको, और वो जाकर चौक में खड़ा होते हमारा नाम ले गए लोग ही, वो तो वजीर आजम को नहीं मानते भाई, कम वक्त वजीर आजम को कौन नहीं मानता, वो तो सारे मानने, तुझे वजीर आजम नहीं मानते। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो गुनाहों में पड़े गए होते हैं और कहते थे मुझे वली मानो, हम कहते हम नहीं मानते, वो कहते भी देखो कि ये तो गुस्ताख है, वलियों को नहीं मानते, भाई तेरी जैसी शक्लों को वली थोड़ी मानते। वली तो वो होता है जो सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक नबी की गुलामी उसके अंग अंग से टपक रही हो, नबी की सुन्नतों में सजा हुआ हो, वो वली होता है। तेरे जैसा बेहूदा बंदा वो वली थोड़ी होता है। जैसे लोग कहते हैं आधा नंगा आधा वली, पूरा नंगा पूरा वली। अब नंगा होना ये कोई भला विलायत की निशानी है, ये तो बेशर्म होने की निशानी है। तो वली होने के लिए इंसान का नेक होना जरूरी है। तो इसलिए विलायत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, हम तो वलियों के गुलाम हैं, बल्कि हम में से हर बंदा जो कलमा वो है उसके दिल की तमन्ना यही होती है कि अल्लाह मुझे भी अपना वली बना, क्यों भाई सबके दिल में तमन्ना है ना। तो इंशाल्लाह जिसके दिल में ये तमन्ना हो, कोशिश करे, मेहनत करे, अल्लाह ताला जरूर उसको अपनी विलायत का फरमा देते हैं। तो उन आमाल को सुन लीजिए दिन से विलायत नसीब होती है। पहला अमल है इस्तिगफार, एक तस्बीह सुबह तस्बीह शाम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दूसरा अमल है दुरूद पाक, अल्लाह के नबी के ऊपर सुबह शाम दुरूद शरीफ भेजना चाहिए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام۔ تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، روز قرآن شریف پڑھے تاکہ برکتیں نصیب ہوں، شفا نصیب ہو، رحمتیں نصیب ہوں، تو قرآن مجید روز پڑھے۔ اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو بھائی اب پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے تو سیدھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ अगर पढ़े हुए नहीं है तो ये बहाना कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, भैया आप पढ़ना शुरू कर दें, इसमें कौन सी ऐसी बात है। तीसरा चौथा अमल ये है कि आप सुबह शाम 15-20 मिनट बैठ के दुनिया को अपने दिल से निकालेंगे, अल्लाह को अपने दिल में बसाएंगे। उसका तरीका आसान है कि आंखें बंद हो, सर झुका हुआ हो, अपने दिल की तरफ ध्यान दे के ये सोचे कि मेरे दिल की धड़कनों में से आवाज आ रही है, अल्लाह मेरा दिल अल्लाह को याद कर रहा है, आवाजें दे रहा है मेरा दिल, तो मैं अपने दिल की अल्लाह अल्लाह को सुन रहा हूँ। जैसे हम लोगों को कहते हैं मेरा दिल आपको बहुत याद कर रहा है, काश कि हमारा दिल अल्लाह को भी बहुत याद करने लग जाए और अल्लाह हमें चलते फिरते उठते बैठते सोचों में ख्यालों में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना। इन आमाल के करने से इंसान को विलायत नसीब होती है, अल्लाह का ताल्लुक नसीब होता है। थोड़ी देर के लिए हम दिल की अल्लाह अल्लाह कर लें, फिर इंशाअल्लाह अभी दुआ होगी। तो तमाम दोस्त जो चाहते हैं कि अल्लाह की खास रहमतें खास मेहरबानी मेरे ऊपर हो, तो वह हर तरफ से अपने ध्यान को हटा के अल्लाह के जिक्र में अपने आप को लगा दें। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे
मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर बारिश की तरह बरसेंगी। तो तमाम दोस्त अपने दिल की तरफ ध्यान दें कि मेरा दिल अल्लाह को याद करने में मशगूल है। अल्लाह फरमाते हैं, ना मैं जमीनों में समाता हूँ, ना मैं आसमानों में समाता हूँ, मैं बंदा मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। हमारा दिल तो अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला को याद करने में हमारा दिल लगा हुआ है। इस दिल की अल्लाह अल्लाह सुनने में हम भी मशगूल हो जाएं, तमाम लोग अपने दिल की अल्लाह अल्लाह सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह का ताल्लुक नसीब होगा। याद में तेरी सबको भुला दूं, अल्लाह याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। अल्लाह याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझे मैं सब घर बार लुटा दूं, सब खुशियों को आग लगा दूं, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। अल्लाह जब मैं गुनाह कर करके खुश होता था ना, मैं उन खुशियों को आग में डालता हूँ और तुझे खुश करने के गम में मैं जीना चाहता हूँ। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। नजर से अपनी सबको गिरा दो, नजर से अपनी सबको गिरा दो, फकत तुझसे फरियाद रहे। अल्लाह मैं ललचाई हुई नजरों से कभी गाड़ी देखता, कभी कोई बिल्डिंग देखता, कभी कोई कारोबार देखता, और कभी किसी इंसान को मैं देखता था कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अल्लाह मैंने अपनी नजरों से सबको गिरा दिया, अब तो मैं तेरे मिलने की हर वक्त फरियाद करता रहता हूँ। नजर से अपनी सबको गिरा दो, नजर से अपनी सबको गिरा दो, फकत तुझसे फरियाद रहे। अब तो रहे बस तादन या फिर दे ऐ मेरे अल्लाह। अब तो मरते दम तक बस मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरे सिवा कोई नहीं है। अब तो रहे बस तादन या फिर दे ऐ मेरे ला मरूबी इल्लल्लाह, अब तो रहे बस तादन या फिर दर्द ज़ुबान ऐ मेरे ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो छोड़े ना छूटे जिक्र तेरा ऐ मेरे ला, अब तो छोड़े ना छूटे जिक्र तेरा ऐ मेरे ला। हलक से निकले सांस के बदले जिक्र तेरा ऐ मेरे ला, हलक से निकले सांस के बदले जिक्र तेरा ऐ मेरे ला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए सारे दोस्त अल्लाह ताला से, मांग लीजिए अल्लाह जो कामयाबी वाली जिंदगी है, जो आपकी पसंद वाली जिंदगी है, जो दुनिया और आखिरत को संवार देने वाली जिंदगी है, जो तेरे दीन वाली जिंदगी है, तेरे नबी
की गुलामी वाली जिंदगी है। अल्लाह वो मुबारक जिंदगी हम सबको नसीब फरमा दे। सुभान रब्बी अलाली के लाल जवाब अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व बारक व सल्लम। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्म तेरे आज़ीज़ मिस्कीन मुहताज फ़क़ीर गुनहगार बंदे हैं, ज़ाहिर के बंदे हैं, अंदर से बड़े गंदे हैं। हमारे अंदर की गंदगियां दूर फरमा, दिल की ज़ुल्मत इन सियाहियां दूर फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, हमारी निगाहों को पाक फरमा, हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा, अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, अपने नबी की मोहब्बत हमारे आंगन में पैदा फरमा, अपने कुरान की मोहब्बत अता फरमा, अपने दीन की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह मक्का की अपने घर बैतुल्लाह की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह अपने नबी के घर की रोजा मुबारक की मोहब्बत अता फरमा, मेरे मौला की मौलियात की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह नेकों की मोहब्बत अता फरमा, नेकियों की मोहब्बत अता फरमा, ऐ मेरे मालिक मेहरबानी फरमा दीजिए, गुनाहों से हमें नफरत अता फरमा, गुनाहों से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह आप जानते हैं आज ये सारे आपके बंदे इन्होंने आपके दरबार में बैठकर मगरिब से ईशा का वक्त हो गया, अल्लाह आप तक तेरा कुरान सुना, तेरे नबी का फरमान सुना और सब ने मिल के आपके सामने तौबा की है, आपको राजी करने के लिए दुनिया पहुंच लेने के लिए तौबा नहीं की है, अल्लाह किसी मुसीबत से बचने के लिए तौबा नहीं की है, जिल्लत से बचने के लिए तौबा नहीं की है, अल्लाह किसी दुनिया की गरज से तौबा नहीं की है, अल्लाह सब ने तुझे राजी करने के लिए तौबा के कलमात पढ़े हैं। अल्लाह हमारी इस तौबा को कबूल कर लीजिए और हम सबको माफ फरमा दीजिए और हमें नेक बनकर जिंदगी गुजारना नसीब कर दीजिए। अल्लाह हमें पता है हम नेक बनना चाहें हमारे लिए मुश्किल है, आप हमें नेक बनाने का इरादा फरमा लें, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आप नेक बनाने पे आए शराबियों को नेक बना दें, आप नेक बनाने पे आए जानियों को नेक बना दें, आप नेक बनाने पे आए चोरों और डाकुओं को हिदायत देकर अपना वली बना लें। अल्लाह हम भी तो आपके बंदे हैं, शराब खाने में नहीं, जिना खाने में नहीं, हम तो तेरे घर में हाजिर हैं। अल्लाह कर आया दी लाज तो हम ना करो मेरे परे, दुनिया में दस्तूर देखा जो चल के किसी के दरवाजे पे आ जाए लोग उसका लिहाज कर लेते हैं, अल्लाह आप हमारा लिहाज कर लीजिए, अल्लाह लिहाज कर लीजिए, अल्लाह लाज रख लीजिए, अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह आप हमारे हो जाइए, हमें अपना बना लीजिए, मेहरबानी कर दीजिए। ये कितने नौजवान हैं जिन्होंने अपना अपनी जवानी की ख्वाहिशात को छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को माँ बाप की मोहब्बतों को छोड़ा, तेरा दीन सीखने के लिए मदरसे की जिंदगी को तैयार कर लिया। अल्लाह ये मदरसे में सिर्फ तुझे पाने आए हैं, ये मदरसे में सिर्फ तेरे साथ दोस्ती करने आए हैं, अल्लाह ये मदरसे में सिर्फ तेरे नबी की गुलामी वाली जिंदगी को अपनाने आए हैं। मेरे मालिक इन नौजवानों का आना कबूल कर लीजिए, इनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह ऐसे नौजवान को सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरा दीन सीखे। अल्लाह हमने सुना है वो तेरे नबी के मेहमान होते हैं, अल्लाह जो चल के तेरे दरबार में आए वो तेरा मेहमान, इस मजमे में मेरे मालिक या तेरे नबी के मेहमान है या तेरे मेहमान है। अल्लाह तू अपने और अपने नबी के मेहमानों के इकराम में आज तो उनकी मफरत कर दे, अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह अपने मेहमानों से राजी हो जा, अपने नबी के मेहमानों से राजी हो जा, तुझे तेरी सत्तारी का वास्ता, तुझे तेरी गफ्फारी का वास्ता, तुझे तेरे पूरे समाज का वास्ता, अगर तू हमसे राजी हो गया हमारा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा, अगर तू राजी ना हुआ मेरे मालिक हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी दुनिया भी तबाह हमारी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। मेरे मालिक हमारी जिंदगी का मकसद आपको राजी करना है, अगर आपको हमने मना लिया आपको राजी कर लिया अल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, दुनिया में भी खुशियां मिल जाएंगी और कयामत के दिन भी हम खुशी खुशी जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। मेरे मालिक राजी हो जा, हनान राजी हो जा, मन्नान राजी हो जा, रहमान राजी हो जा, और दुनिया में सबसे जल्दी राजी होने वाले अल्लाह
नेकियों का मान नहीं, तेरी रहमतों का आसरा है। और तूने कुरान में कहा है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तेरी रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह अगर हम मायूस होते तो शायद तेरे दरवाजे पे हम हाजिर ना होते। हमें उम्मीद है कि तू हमें माफ कर देगा, हमें उम्मीद है कि तू राजी हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि तू हमारी टिकड़ियां बना देगा, हमें उम्मीद है कि तू हमारी दुनिया और आखिरत संभाल देगा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा दीजिए, ऐसा मरने में जो बीमार है उनको शिफा दे दे, जो जिनके घर में बीमार है शिफा दे दे, जो कर्जों के बोझ के नीचे हैं अल्लाह उनको कर्जों से खलासी अता फरमा, जो तंगदस्त है उनकी तंगियां दूर फरमा, बेरोजगार है चिर रोजगार अता फरमा, बेघर है अपने घर अता फरमा, बेऔलाद है नेक औलाद अता फरमा, साहिबे औलाद उनकी औलादों को नेक बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। मेरे मालिक हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हमें कभी भी अपने दर से धक्का न देना, अल्लाह हमें कभी भी अपने दर से धक्का न देना। अल्लाह माँ बाप अपने बच्चों के कसूरों और ऐबों के बावजूद उनके साथ गुजारा कर लेते हैं, निभा जाते हैं। मेरे मौला एक बिगड़ी हुई औरत को कई मरतबा नेक के स्वामी जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, बिगड़े हुए स्वामी को औरत बर्दाश्त कर लेती है, पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारा कर लेती है। अल्लाह आपको बड़े हौसले वाले हैं, अल्लाह हम बिगड़े हुए तेरे बंदे हैं, तू हमें अपने दर से धक्का न देना, तू हमें अपने दर से धक्का न देना। मेरे मौला हमें पता है हम बहुत गंदे हैं, हमें पता है हम बहुत बुरे हैं, अल्लाह नहीं कोई औकात औगन हार दी, नहीं कोई औकात औगन हार दी, मैं जेहो जी हाँ मैं हम सोने सरकार दी। अल्लाह जैसे कैसे हैं बंदे तो आपकी भी है, कलमा तो तेरे नबी का ही पड़ा है, नाम तो तेरे ही है, तो हमें माफ कर दे, तो हमसे राजी हो जा। मेरे मन में शादी करवा। अल्लाह दुनिया में रहने की मोहलत अल्लाह बहुत थोड़ी रह गई, नहीं मालूम कितने लम्हे रह गए, कितने दिन रह गए और कितनी रातें रह गई। तेरे सामने हाजिर होने वाली है, तेरी मुलाकात होने वाली है, मेरे मौला तेरी मुलाकात की इनकारी नहीं है। अल्लाह हमें यकीन है हमने तुझसे मिलना है, मगर हम नेकी भी कोई नहीं कर सके। अल्लाह आपसे फरियाद करते हैं कि अल्लाह जब तक आप हमसे राजी ना हो जाएं उस वक्त तक हमें अपने पास न बुलाना हो, जब तक आप राजी ना हो जब तक आप राजी ना हो जाए, जब तक आप हमें अपना न बना लें उस वक्त तक हमें मौत न देना। मेरे मौला हमसे मौत की सख्ती नहीं बर्दाश्त होगी, अल्लाह हमें आप हमसे आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त होगी। हमसे तो हमारे कोई बच्चा पर बहन नाराज हो जाए, कोई बहन भाई नाराज हो जाए, हमारे पीर उस्ताद हमसे नाराज हो जाए, हमारे बड़े हमसे नाराज हो जाए, हमसे तो वो नहीं बर्दाश्त होता, तेरी नाराजगी कौन बर्दाश्त करेगा। अल्लाह नाराजगी खत्म कर दीजिए, हमें माफ फरमा दीजिए। ए गरीब माँ बाप जिनके घरों में परेशानियां उनकी परेशानियां दूर फरमा, जिनको कारोबार में परेशानियां उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो औलाद की वजह से परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा, ऐसा जो मुल्क के हालात की वजह से परेशान है परेशानियां दूर फरमा, अल्लाह कोरोना और वबा की वजह से परेशान है परेशानियां दूर फरमा, ऐसा जिसकी जो परेशानी है सबकी परेशानियां दूर फरमा, खुशकियों भरी जिंदगी अता फरमा, सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद के आबाद करने वाले लोगों के दिल आबाद फरमा, उनके घरों को आबाद फरमा, अल्लाह उनकी उनकी जो है वो कारोबार में बरकतें नसीब फरमा, अल्लाह जो भी इस मस्जिद की खिदमत करने वाले हैं इसके आबाद करने वाले हैं उनको अपने नेक और मकबूल बंदों में शामिल फरमा, जो कहा सुना हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, और हमें नेकी की मजालिस जिंदगी में बार बार नसीब फरमा। अल्लाह जितनी खैर भलाइयां बरकतें आफियत से सलामतियां तुझसे तेरे नबी ने मांगी वो सारी की सारी उनके सदके में हमें भी अता फरमा, जितने शुरू से पना मांगी उन तमाम शुरू से हम सबको पना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वल वलीना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिका या अरहम